वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो आप लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाया। कहते एक जन्म नहीं, कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, पहले जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होता है तभी ये भागवत कथा कोई रख सकते हैं और कथा को कोई सुन सकते हैं। देखना बेटी की शादी हो जाए कितने लाख रुपया खर्चा कर लेते हैं, कोई बीमारी आ जाए कितने लाख रुपया पानी जैसे बह जाती है, इधर उधर काम मामला मुकदमा में कितने कितने पैसा इधर उधर चली जाती है, लेकिन ये भागवत कथा को कौन रखवा सकते हैं। बड़े भाग्य से जिनकी पूर्वजों का कल्याण हो गया, पूर्वजों का भाग्य उदय हुआ हो, हैं करोड़ों करोड़ जन्म का, तभी ये भागवत कथा कोई घर में तभी रख सकते हैं, नहीं तो कोई रख नहीं सकते। हम पहले सुन रहे थे ना, ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, ये कथा शिव लोक में भी नहीं, और ये कथा वैकुंठ लोक में भी ये भागवत कथा नहीं है। जो भागवत कथा आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत पुण्य उदय होने पर तभी ये भागवत कथा कोई रखते हैं। और अब देख रहे हो 7 दिन से कैसा आनंद बरस रहा है, कैसे सब लोग नाच रहे गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम को ग्रहण कर रहे हैं। बड़े भाग्य से ये जीवन में ये वस्तु हमें प्राप्त होता है। भगवान की किसी चीज़ की कमी नहीं है, हैं इसलिए कहते ना कहते दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए और सबसे ऊंची प्रेम सगाए। ठाकुर जी ने दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन रखा था लेकिन ठाकुर जी स्वीकार नहीं किए, लेकिन कहाँ पर गए, विदुर जी के घर में गए और साग भाजी केले का छिलका खाए, हैं ठाकुर केले का छिलका खाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं विदुर जी मैं तो कहीं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल भाव को ही ग्रहण करता हूँ, मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग ने ये भागवत कथा रखवाए, लेकिन कुछ अपना जीवन में भी एक कुछ चीज को उतारो, हैं अपना भागवत कथा से
हमें कुछ वस्तुओं को कुछ ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पैसा जो इतना खर्चा किया वो पैसा खर्चा करने का जैसे आप लोगों को लाभ हो, भले जो करे और नहीं करे लेकिन ये लाभ जैसे आप लोगों को हो, भले इससे क्या लेनी चाहिए भागवत से। हाँ, इसलिए हम पहले हम सुन रहे थे विशेष करके भागवत से हमें तीन चीज़ों को ग्रहण करनी चाहिए। कितने चीज़ को ग्रहण करनी चाहिए? तीन चीज़ को। बोले तीन चीज़ क्या है? कि जो वैष्णव धर्म में जिसको जम महाराज ये जम दूतों को कह रहे हैं, जिनको जो वैष्णव धर्म में जो दीक्षित है उनको कभी भी ये नरक नहीं लाना, वो मना करते हैं। जो वैष्णव धर्म में दीक्षित है कभी भी उनको नरक में नहीं लाना। कहते ये वैष्णव धर्म में विशेष करके हमें तीन चीज को ग्रहण करनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी हो, दूसरे तिलक हो और तीसरे चीज भगवान की माला हो, नाम हो। ये जो तीन चीज है ये वैष्णव धर्म में विशेष करके इसकी विशेष महत्व है। इसलिए नृसिंह भगवान भी कहते हैं अगर किसी वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण कर लिया, कहते केवल एक ही वैष्णव जन्म ग्रहण कर लिए, भले कुलम पवित्रम, कहते उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। जननी कृतार्था, जो माँ और पिताजी वो बच्चे को जन्म देते हैं पहले से ही वो वैकुंठ चले जाते हैं, वो पहले से ही भगवत लोक को चले जाते हैं। इसलिए जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए जिस समय वैकुंठ से विमान आए, बोले ध्रुव जी वैकुंठ में बैठ, रथ में बैठो और वैकुंठ चलो, ध्रुव क्या कहता है? बोले मेरी मैया कहाँ है? बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मैया की कृपा से ही था आज मैंने भजन की है, मैया ने मेरे को बताया था बेटा ये पिताजी कब तक रहेंगे, ये पिताजी का गोद में कब तक बैठोगे। अरे भगवान की गोद में बैठो ना, बैठना हो तो ठाकुर का गोद में बैठो, जो एक बार गोद में जो बैठ जाए कभी भी वो गोद से कभी नहीं उतरेगा। ये पिता माता कितना प्रेम देंगे, ये कब तक प्रेम देंगे, भगवान इससे करोड़ों गुण ज्यादा प्रेम ठाकुर जी देंगे। बैठना तो ठाकुर जी की गोद में बैठो। भले माता जी ठाकुर कहाँ मिलेंगे? भले बेटा उनको भजन करने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने तपस्या करते हुए भगवत प्राप्ति हुई, जब वैकुंठ जाने के लिए विमान आए, बोले मेरी माँ कहाँ है? क्योंकि माँ ने मेरे को भजन की उपदेश दी ना, तभी तो आज मेरे को भगवान मिले, माँ को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तब तो उन्होंने बोले देखो जो ऐसे जो माँ है जो बच्चे को भजन की शिक्षा देते हैं उसकी उद्धार होने का कोई बाकी रह गया? देख वो आगे जो रथ है ना तेरी माँ बैठ करके वैकुंठ जा रही है, तो उसको पीछे पीछे जा रहे हो, तू आगे नहीं जा रहे हो, माँ पहले जा रही है। क्यों? जो माँ बच्चे को भजन की शिक्षा देगी वो माँ सबसे पहले वैकुंठ जाएगी हैं। फिर श्री प्रहलाद का चरित्र आता है, जब भगवान नरसिंह देव दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो, तब तो उन्होंने क्या बोले? बोले मेरे पिताजी को उद्धार करो, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। तब नरसिंह देव खुद कहते हैं बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र, जिस वंश में एक बेटा वैष्णव बन जाए बोले उनको त्रि सप्त मैंने 3 बार 7 7 मैंने 21, बोले उसको तो 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है जिस वंश में भगवान की एक व्यक्ति भक्ति करे। तुम तेरे पिताजी के नाम क्यों कह रहे हो? तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए। इसलिए बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी मतलब माँ, जो माँ वो बच्चे को गर्भ में धारण करती है, कहते तो वो माँ की जीवन भी धन्य हो जाती हैं, माँ की जीवन भी धन्य हो जाती। क्यों? जिसकी कोख में वो बेटा जिसकी कोख में आया है। साधारण भाग्य से बच्चे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, बड़े सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से। कृष्ण गीता में भी कहते हैं बहुनाम जन्म नामांते ज्ञान बानम माम प्रपद्यन्ते, हे अर्जुन करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर कभी मेरे को कोई भक्ति करते हैं, साधारण भाग्य से भक्ति कोई नहीं करते हैं। इसलिए कहती है पिता माता की जीवन भी धन्य हो जाती है। इसलिए सुमित्रा कहती हैं बोले पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासु सुत होई, बोले उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थकता है जिसका बेटा भगवान की भजन किया है। नहीं तो दूसरी लाइन में कहती है
अगर बच्चों को भजन नहीं करा पाए, ध्यान देकर सुनो, अगर बच्चों को तुमने प्रभु की भजन नहीं करा पाए, वो सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना सही, बच्चे जन्म मत दो। क्यों? बच्चे जो दुष्कर्म करेगा उसका भी पाप तुम्हें ही लेना पड़ेगा। कि तभी बच्चे जन्म दो, सुमित्रा कहती, जब बच्चे को तुम भजन में लगा पाओगे। स्वर क्या बच्चे नहीं देते हैं? एक साथ में देखो, एक एक दर्जन बच्चा जन्म दे रहे। अब बताओ गांधारी के कितने बेटे थे? 100 बेटे। एक भी कृष्ण भजन किया? कुंती के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। सबके सब भक्त हैं, सबके सब कुंती के 5 बेटे कृष्ण की भक्त हैं, लेकिन गांधारी की 100 के 100 बच्चे में एक भी भजन नहीं किया है। इसलिए तब भी बच्चा जन्म देना सार्थकता है, बच्चे को अगर प्रभु की भजन में लगा पाएंगे। नहीं तो सुमित्रा कहती बच्चे जन्म मत दिया करो, मना कर देती है बच्चे जन्म देने के लिए है। इसलिए कहते जननी कितार्था, बोले वसुंधरा बसतिश्च धन्या। जिस बच्चा जन्म ग्रहण करता है, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है, वो वसुंधरा पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। जैसे किसके बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री हो जाए, माँ कितने गर्व अनुभूति करती, मेरा बेटा मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत का, मैया की कितने आनंद नहीं होता होगा। बोले उससे भी करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य है। कब तक ये मोदी? 5 साल, उसके बाद में गया खत्म, अगर नहीं आया गया तो है। लेकिन अगर कोई वैष्णव बन गया ना, बस बताओ ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी मीराबाई तुलसीदास अमर हो गया ना जगत में, सबके सब अमर हो गए ना जगत में। इसलिए कहते हैं जो वैष्णव जो धर्म है, हैं बोले जो वैष्णव भक्ति में, जो भक्ति में आ जाते हैं, कहते जगत में सबसे बड़ा अगर कहीं प्रतिष्ठा है, कहते जो भगवान की भक्ति में आ जाती है। इसलिए कहते वसुंधरा बसतिश्च धन्या। बोले चौथा लाभ क्या है? बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरेसा। हमारे जितने पूर्वज लोगों पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में कोई एक व्यक्ति वैष्णव हो गया है, वैष्णव धर्म को ग्रहण किया, बोले नृत्यंति स्वर्गे, वो लोग स्वर्ग में हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि घर में जब तक कोई वैष्णव नहीं होते हैं, ये पूर्वजों का भी उद्धार नहीं होता है, ये पूर्वजों का भी उद्धार नहीं होता है। पुराण में एक कथा आती है, बोले एक व्यक्ति नरक में गया, अभी उसको टाटी पेशाब का कुंड में गला पकड़ कर खूब डूबो रहे थे, उसको डूबो रहे थे, लेकिन जितने डूबो रहे थे ना, वो उतना जोर जोर से हंस रहा था। बात मत कर इधर दो। इसलिए जितने उनको डूबो रहे थे वो उतना ही हंस रहा था। बोले भैया तेरे को नरक में डूबो रहे हैं, लेकिन तुम हंस रहे हैं क्यों? देखो क्या कहता है। बोले जो करना कर लो, कल से नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले कल मेरे वंश में एक वैष्णव होने वाले हैं, मेरे वंश में एक भक्ति होने करने वाले, एक मेरे वंश में एक व्यक्ति भजन करने वाले, जो करना आज कर लो, कल से नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे वंश में जब एक व्यक्ति वैष्णव हो जाएगा, उसी समय नरक से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इतने महत्व किसी वंश में जब किसी वैष्णव जन्म ग्रहण करता है, इतने महिमा है। लेकिन ये वैष्णव की बोले 3 लक्षण होने चाहिए है। 3 लक्षण क्या है? बोले ललाटे तिलकम, ये ललाट में तिलक जरूर धारण कर, ठीक है ना। कहती है तिलक बगैर ये जो ललाट है ना, ये श्मशान बताया, इसको श्मशान बताया। देखना माताएं जैसे स्नान करती है ना, जो सद्धवा है, स्नान करने के बाद सबसे पहले क्या करती? सिंदूर लगाती, मांग भरती, भरती है ना। क्यों? ये सुहाग का लक्षण है, ये स्त्री सुहागानी स्त्री की ये लक्षण है। कहते जगत इस संसार की पति के लिए तो अपने इतने श्रृंगार की, लेकिन तुम्हारी जो असली पति है, इसलिए लक्ष्मी कहती है ना रुक्मिणी, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। कहते बर बरी और गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर हो जाए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो है। इसलिए जरूर तिलक लगाया करो। देखो तिलक धारण करने का क्या महत्व है।
देखो ये श्लोक है, बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरि बल्लभा नित्य तस्से बसेत देहे जस्य शंका कितम तनु। जो व्यक्ति ये ऊर्ध्व पुंडर तिलक धारण करते हैं, ये पुराण में बताए कि तो उसको शरीर में कौन कौन रहते हैं, बोले लक्ष्मी, तिलक धारण करने से लक्ष्मी रहती हैं, सरस्वती माँ सरस्वती रहती हैं, बोले दुर्गा माँ दुर्गा रहती हैं, सावित्री उसको शरीर में सावित्री रहती हैं, बोले हरि बल्लभा बोले लक्ष्मी रहती हैं उसको, बोले नित्यम तस्य बसेत देहे जस्य शंका की तम तनु। ये जो तिलक हम धारण करते हैं ना, ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब हैं, हम लोग ऐसे करके ऐसे कर ऐसे सारा शरीर में तिलक ऐसे करते शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं। बोले जो व्यक्ति ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं उसको शरीर में ये सारे देवा देवी निवास करते हैं। बोले गंगा गया कुरुक्षेत्रम प्रयागम पुष्करादि च नित्य तस्य सदा तिष्ठते जस्य पद्माकितम वपु। जो ये शरीर में तिलक धारण करते हैं उसका शरीर में कौन कौन रहते हैं, बोले गंगा गया कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्कर नित्य तस्य सदा तिष्ठति। हर समय उसका शरीर में नित्य ये समस्त ये गंगा जमुना सरस्वती सबके सब नित्य उसके शरीर में निवास करते हैं। बोले कृष्ण शस्त्रांक कवचम दुर्भेद्यम देवदानवई अदृश्यम सर्वभूतानाम शत्रुनाम रख समापि। देखो कितने महत्व तिलक की, तिलक की कितने महत्व पुराण में कहते हैं। बोले कृष्ण शंकाकृत कवचम दुर्भेद्य देवदानवई, कि जो व्यक्ति ये तिलक लगा लिया ना, जैसे कर्ण का शरीर में कवच था है, जब तक शरीर में कवच रहता उसको कोई नहीं मार सकते, इसलिए इंद्र आकर कवच को ले गया पहले, नहीं तो अर्जुन नहीं मार सकता है, क्यों कवच कुंडलों के साथ में उसने जन्म ग्रहण किया। बोले जो व्यक्ति शरीर में ये तिलक धारण करते हैं उनको शरीर में कहते ये कवचम दुर्भेद्य देव दान भई, कि देवता दानव लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तिलक रूप में उसको शरीर में कवच है। कल हम सुन रहे थे ना, जैसे मैया जसोदा जब पुतना घर में आई, जब उनने कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की, कृष्ण पुतना को मार डाले, मैया जसोदा यही तिलक लगा रही थी कृष्ण को, ललाटे जो तिलक हम लगाते थे ना, ललाटे केशवम ध्यायम, ये भगवान केशव देव है, उधरे नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद, ये सब तिलक का अलग अलग तिलक का ये नाम ही है तिलक का, इसलिए ये तिलक रूप में हमारे शरीर में ठाकुर जी की निवास है, ठाकुर जी की निवास, उसको भूत पिशाच दानव उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपना शरीर में ये तिलक को धारण करता है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब तिलक लगाना, ऐसे नहीं फोटा तिलक लगा लिए, नहीं कहीं भी नहीं, फोटा तिलक की कहीं नहीं है, शास्त्र में बताया तिलक कैसे होनी चाहिए, शास्त्र में भी वो सब तिलक बताते हैं, बर्तुलम त्रिज्यक छिद्रम हर्षो दीर्घ तरम तनम वक्रम विरूप बधग्रम भिर्न मूलम पद अच्युतम। यहाँ पर मना किया है, हैं ये जो छोटा तिलक लगाना, त्रिज्यक तिलक लगाना, दीर्घ तिलक लगाना, टेढ़ा तिलक लगाना शास्त्र में मना किया है, इसलिए तिलक होनी चाहिए ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होनी चाहिए, जो तिलक भगवान कृष्ण लगाते हैं, जो तिलक भगवान राम लगाते हैं, जिस तिलक भगवान नारायण लगाते हैं, जैसे श्री हनुमत लाल लगाते हैं, जैसे गणेश तिलक लगाते हैं, अब देख लो उनको तिलक कैसे, ऊर्ध्व पुंड्रम, बोले ऊर्ध्व नयति, जो हमें भगवान तक ले जाए वो तिलक, ठाकुर तक हमें ले जाते हैं ये तिलक, नियम बताया तिलक हमारी कैसे होनी चाहिए, वैष्णव तिलक होनी चाहिए हैं, वैष्णव तिलक होनी चाहिए। देखो क्या कहते, बोले ऊर्ध्व पुंड्र धर्म अर्थ ब्रियते जत्र कुत्रचित सोपाक अपि विमानस्त मम लोकम मह्यते। भगवान खुद कहते हैं अगर कोई चंडाल क्यों नहीं हो, अगर उसने तिलक ऊर्ध्व पुंडर तिलक धारण किया तो ठाकुर जी कहते हैं मरने का बाद में वो मेरे धाम में आएगा, ठाकुर स्वयं कहते मेरे
धाम में आएगा। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में हर समय हम स्नान करने का बाद सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले तिलक लगाते। जैसे कि सुहागिनी स्त्री स्नान करने के बाद क्या करती हैं, मांग भरती हैं, है सिंदूर लगाती हैं। क्यों, ये सुहाग का लक्षण है। लेकिन भक्तों का क्या सुहाग की लक्षण है, ठाकुर जी। ये तिलक मतलब है हम ठाकुर जी की बन गए, हैं हम ठाकुर जी की बन गए। जैसे एक सुहागिनी स्त्री जब अपनी सुहाग का चिन्ह धारण करते हुए पति को सामने जाती है, पति खुश हो जाता है। लेकिन अभी पति जिंदा, लेकिन पत्नी क्या करे, सारे सुहाग का चिन्ह को उतार दे, हैं सारे सुहाग का चिन्ह को उतार दे, उतार करके विधवा का रूप धारण करके पति को सामने जाए, बताओ पति स्वीकार करेगा कि नहीं। बोलेगा मैं जिंदा रहते रहते तू क्या मेरे को मार डाले, अभी मैं जिंदा हूं तुम ये क्या क्या सब सफेद साड़ी मांग फांग मंगल सूत्र उतार करके मेरे सामने आ गई। पति स्वीकार नहीं करेगा। कर जब जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है, वो परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा। अगर हमारी ललाट में तिलक नहीं है ना, ठाकुर जी को सामने जाने पर ठाकुर जी रिजेक्ट कर देंगे, बोले तेरे से मेरे कोई मतलब नहीं, क्या तुमने धारण किया मेरे लिए। इसलिए अगर तिलक लगाए गले में कंठी है ठाकुर जी, बोले तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हैं ठाकुर जी अपने आप हमें स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हमें तिलक धारण करनी चाहिए। क्या कहते देखो, बोले ऊर्ध पुंड्रम धरमर्ते गृहे वाजस्या नमस्नते तथा बिंसत कुल तस्य नरकात दूर मह अहम। देखो क्या कहते हैं, बोले जो व्यक्ति ये तिलक धारण करता है, हैं जो तिलक धारण करता है उसका लाभ क्या है, बोले बिंसत कुलम उसका 20 जो पीढ़ी है वो नरक से उधार हो जाती। जो तिलक धारण करते हैं कहते उनका 20 पूर्वजों उनको नरक से उधार हो जाते हैं जो व्यक्ति ये तिलक को धारण करते हैं। इतने महिमा तिलक है, हैं इसलिए जरूर तिलक धारण जरूर करो तिलक। यहाँ पर तो बहुत श्लोक हम यहाँ पर लिखे हैं विभिन्न पुराण से ये तिलक की क्या महिमा है। फिर तुलसी कंठी हैं, जो तुलसी गले में तुलसी की हम कंठी धारण करते हैं, बोले कंठी धारण करने से क्या होता है, बोले तुलसी काष्ठ माला भीर भूषितम पुण्यमाचरेत पितृणाम देवतानां च कृतम कोटि गुणा कलव। कहते कलयुग में जो व्यक्ति गले में ये तुलसी कंठी को जो धारण करते हैं उसमें क्या होता है, कहते पितृणाम देवता नान च कृतम कोटि गुणा कलव। कहते जो पितृ देवता क्या होते हैं, कहते जितने वैसे जो फल मिलता है पूजा सेवा करने के करने का, गले में तुलसी कंठी धारण करने पर क्या होता है, बोले करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य उसको मिलता है, करोड़ों गुण। इसलिए वैसे बगैर तिलक के पूजा करने से जो फल मिलेगा, लेकिन जब तिलक धारण करते हुए पूजा करते हैं करोड़ों गुण उसको पुण्य मिलता है, करोड़ों गुण ज्यादा लाभ होता है। इसलिए देखना ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं पहले सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तिलक के बगैर कोई पूजा वो नहीं करवाते, पहले तिलक करेंगे उसको बाद में फिर पूजा करवाते हैं। बोले तुलसी काष्ठ मालांतु प्रेत राजस्य दूत का दृष्ट्वा नसंति दुरेत बात दूतम जथा दलम। यहाँ पर कहते हैं अगर किसकी गले में तुलसी कंठी है उसको ऊपर कोई भूत पिशाच दानव कोई कुछ नहीं करते, और जम स्वयं कहते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी उनको दूर से प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये भगवान के ठाकुर जी के भक्त है, हैं। इसलिए जब जब महाराज दूतों को बोले जो भजन नहीं करते हैं उनको ले आना, पूछे भैया पता कहीं चलेगा कौन करता नहीं करता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते तुम तो शहर में रहते हो, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये घर किसी घर की कुत्ते है। और जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है हम किसके पालतू हो गए, बांके बिहारी के। किसके पालतू हो गए, ठाकुर जी की पालतू हो गए, ठीक है ना। इसलिए जरूर गले में तुलसी कंठी हमारी
होनी चाहिए, हैं, तुलसी कंठी रहेगा तो जैसे ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं ना, छापन भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। जितने ठाकुर जी को भोग धराओ अगर उसमें तुलसी पता नहीं दिया ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी पता दे दिया ना ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। जब हम गले में तुलसी कंठी धारण कर लिया समझो ठाकुर जी हमारा शरीर को स्वीकार कर लिया है, ठाकुर जी हमारे शरीर को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए जरूर गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए। बोले तुलसी काष्ट माला भीर भूषितम भ्रमित यदि दुस्वप्नम दुनिर्मितंच न भयम शस्त्रजम कोचित। बोले जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए विभूषित रखते हैं बोले उसको दुस्वप्न नहीं होगा, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी स्वप्न भी नहीं होगा उसको, हैं, बुरे बुरे उसकी स्वप्न भी उसको नहीं आएगा, इसलिए समस्त भय उसकी दूर हो जाएगी गले में जो तुलसी कंठी धारण करते हैं। बोले धारयंती नचे जय मालम हेतु काम पाप बुधय नरकात नवर्तन्ते दग्धा कोपाग्नि हरे। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी धारण नहीं करते हैं कहते वो क्या, बोले पाप बुद्धि, और क्या होता है बोले नरकात न निवर्तन्ते, उसको नरक जाना पड़ेगा। अगर गले में तुलसी कंठी हो वो व्यक्ति नरक कभी नहीं जाएगा। जमदूत जब देखेंगे ना समझ जाएंगे भैया ये फालतू 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 नहीं ये पालतू है ठाकुर जी की, ये पालतू है इसको नरक में मत ले जाया करो, हैं। बोले तुलसी काष्ठा मालांच कंठस्था बहते तुज अपशौच अपि अनाचार माम बेतेती न संशय। जब गले में तुलसी कंठी कभी धारण करते हैं क्या होता है वो कभी अपवित्र नहीं हो रहता है, हर समय वो व्यक्ति पवित्र बनी रहती है। इसलिए कोई कोई कहते ना क्या ये कंठी जब हम शौचक्रिया में जाए बा कोई मर गया तो उसको साथ में जाए क्या इसको उतार देनी चाहिए, बोले नहीं, हम लोग कभी कंठी गले से कभी नहीं उतारते हैं। जब गले में कंठी रहेगी ना ये पवित्र है, ये अपवित्र अवस्था में भी ये तुलसी कंठी हमें पवित्र बना करके रखती है, इसलिए गला से कभी भी कंठी को नहीं उतारनी चाहिए, ये कंठी कभी अपवित्र नहीं होती है। इसलिए क्या करना है हर समय गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। या बहुत श्लोक बताए जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करते हैं कैसे जमदूत जिसको दर्शन करके वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं जमदूत है। इसलिए कहते तुलसी काष्ठ माला भीर भूषितम पुण्यम आचरेत पितृणाम देवतानां च कृतम कोटि गुण कलौ। इसलिए कंठी धारण करते हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको पूर्व पुरुष सबके सब उद्धार हो जाते हैं और करोड़ों गुण उसको ज़्यादा उसको पुण्य प्राप्त होती है, भक्ति मिलती है। इसलिए तुलसी कंठी धारण करने का बहुत बहुत लाभ है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना गले में तुलसी कंठी पहनो और ये तिलक लगाना, ऊर्ध्व पुण्य तिलक धारण करना। कहते ये तिलक जो केवल दर्शन करते हैं ना वो दर्शन मात्र से ही उसको भगवत दर्शन करने का फल मिलता है। बोले कहते गधा भी अगर ये तिलक धारण कर ले ऊर्ध्व पुण्य उसको भी उधार हो जाता है, गधा भी धारण कर ले। इसलिए तिलक कंठी धारण करने की बड़ी महिमा और भगवान की माला जप करना, भगवान की माला जप करना, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम समय में यही तो जाएगा। कल मैंने चार ही भोगों की कथा सुना रहा था ना, किसको याद है चार भोग का क्या कथा सुनाया, याद है कि नहीं, किसको क्या याद है, राजा की चार रानियां थी ना, सुनी कि नहीं। सबसे जो बड़ी रानी कौन थी, ये शरीर, जिस शरीर को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं लेकिन ये शरीर भी साथ में नहीं जाती हैं। दूसरे जो रानी थी कौन थी, जो बड़ी सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था वो कौन है, बोले पैसा है, हैं, वो शरीर छूटते ही ये पैसा क्या करता है झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, ये पैसा भी हमारे साथ में नहीं जाएगी। तीसरी रानी कौन थी, पत्नी, हैं, पत्नी, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, बोले दरवाजा तक जाऊंगी, बोले आगे, बोले चार कदम तो बढ़ सकती हो अगर बोलोगे लेकिन तेरे साथ में नहीं जाने वाली हूँ।
परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले हाँ बढ़िया आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले शमशान तक ले जाएंगे, और वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएगी। लेकिन जो चौथी नंबर की रानी थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट करके रखा था, हैं ये बेकार किसी काम की नहीं, अरे भक्ति भक्ति जी का कोई काम धाम नहीं, वही सब माला लेकर के बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं, हैं। लेकिन जब उन्होंने उसी को पूछा तो तुम साथ में चलोगी, बोले तेरे साथ में नहीं चलूंगी और कोई चलने वाले नहीं, क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारे साथ में जितने भजन करते हैं, जितने ठाकुर जी का नाम लेते हैं, केवल वही साथ में चलती हैं और कोई भी साथ में चलने वाले नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए, यही असली धन है जो अंतिम समय में हमारी काम में आएगा, हैं, यही काम में हमारी आएगी और कोई हमारी काम में आने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए गले में कंठी, तिलक और भगवान की नाम, बस अगर ये तीन चीज हो ना, उदाहरण देते हैं जैसे विदेश जाना चाहते हो, कितना चीज जरूरत, तीन चीज, पासपोर्ट, वीजा और टिकट, ये तीन चीज चाहिए तभी कहीं विदेश से जा सकते हो। इसलिए ये पासपोर्ट किया है, बोले गले में कंठी, बोले वीजा किया, बोले ये तिलक, बोले टिकट किया, बोले भगवान की नाम, यही टिकट है, यही टिकट है जो अंतिम समय में तुम्हारी काम में आएगा। अगर ये तीन चीज हो ना पास, ठाकुर के पास में सीधा भगवान की चरण में जीव को स्थान मिलेगा। इसलिए तीन चीज को क्या करो, तीन चीज को ठीक करो। हाँ, और एक चीज समझो, जैसे ठाकुर जी का जैसे आरती करते हैं ना, और दो एक बहू थी, वो सब कहाँ गई, क्या सो रहे हैं, नहीं नहीं और जो बहू, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, बोल गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय बोल गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। तुम दोनों अंदर में क्या कर रही थी, नाश्ता बना रही थी, जिंदगी भर नाश्ता बनाओगे, हम जब चले जाएंगे ना, दिन भर ही नाश्ता बनाएंगे, हमारी कोई जरूरत नहीं, हम खूब खाते हैं, तुम्हारे घर में खाने नहीं आए, कुछ देने के लिए आए, जब हरी कथा होगी सारे काम को पीछे छोड़ देना। अभी मैं जो इतना बात बताया तुम तो कुछ सुनी नहीं, करो क्या, अभी वही बता रहा था जीवन में जो उतारने वाले हैं, हैं। इसलिए कथा नहीं सुने तो कहते जीरो है तुम्हारी सबके सब, और रसोई बनाना भी जीरो है तुम्हारी। इसलिए सबसे पहले कथा सुनो जिसमें तुम्हारा कुछ ज्ञान मिलेगी। हमने इतनी बात बताई, कंठी किया, तिलय किया, भजन किया। हाँ, देखो जैसे ठाकुर जी का आरती उतारती है ना, इधर सुनो, ठाकुर जी को जो आरती उतारते हो, ठाकुर जी का आरती कैसे उतारनी चाहिए, ये चीज को ध्यान देकर सुनो, ठाकुर जी को आरती कैसे उतारते हैं। जैसे ठाकुर जी को जब हम आरती उतारते हैं, जैसे ये धूप दिखाते हैं, हैं, ये धूप को कहाँ तक दिखानी चाहिए, नियम है ये धूप को केवल ठाकुर जी की चरण तक दिखानी चाहिए, ये धूप को ठाकुर जी को मुंह में ये धूप को नहीं दिखाते हैं, नियम है धूप को केवल ठाकुर जी की चरण में दिखाओ। जो आरती उतारते हो, हैं, ये आरती उतारना क्या है, जैसे कृष्ण जैसे गैया चराते हुए जंगल से आए, उनको पर नजर उतारती मैया, उनकी नजर उतारती, जब गोपियां उनको राधा रानी दोपहर में आरती करती हैं, कृष्ण की ये नजर उतारती हैं। सवेरे जो आरती उतारते हैं, ये भी ठाकुर जी शयन किए हुए गोपियां उनकी आरती उतारते हैं। इसलिए नियम है ये जो दीप है कहाँ तक कितना बार घुमानी चाहिए, ये नियम, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे घुमाया है, ये नहीं, ये नियम है ठाकुर जी की चरण में लक्ष्य करके उनको चार बार घुमाओ,
कितना बार चरण में घुमा, ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा क्या सुनी हो, इसलिए कितना बार घुमानी चाहिए, चार बार घुमाओ। कहते उनकी जो बक्ष स्थल में है उनका दो बार घुमाओ, कितना बार घुमाओ, दो बार। उनका मुंह में कितना बार घुमाओ, तीन बार, हाँ तीन बार। चरण में चार बार, बक्ष स्थल में दो बार और मुख में तीन बार। फिर उसको बाद में संपूर्ण शरीर में सात बार घुमानी चाहिए, संपूर्ण शरीर में कितना बार घुमानी चाहिए, हाँ ऐसे करके सात बार। याद रहा कि नहीं, बताओ चरण में कितना बार घुमाओगे, चार बार। उनके बक्ष स्थल में दो बार, मुखारविंद में तीन बार, संपूर्ण शरीर में सात बार। ये नियम है ठाकुर जी को ऐसे आरती उतारनी चाहिए। जब ठाकुर जी की आरती उतार दिया, फिर ठाकुर जी सोए हैं, जैसे हम लोग सोने के बाद जब उठते हैं ना, मुंह धोते हैं, मुंह धोते हैं ना, दंत मर्जन करते हैं, मुंह धोते हैं, उसी तरह ठाकुर जी शयन कर रहे थे। अभी ठाकुर जी सो करके उठे हैं, इसलिए ठाकुर को जैसे शंख में छोटा सा एक शंख रख लेना, ठीक है ना, छोटा शंख है जिसको जल शंख कहते हैं, वो शंख में पानी रख करके जैसे एक व्यक्ति मुंह धोते हैं, इसी भावना को रख करके हम क्या करते हैं ठाकुर के सामने, ठाकुर जी ये शंख जल में आप मुंह धो लो, जैसे हम ब्रश करते हैं, आप मुंह धो लो। जब मुंह धोने के बाद फिर किसी कपड़ा से पूछते हैं ना, रुमाल से कपड़े से हम पोछते हैं, इसलिए नियम है छोटी सी एक रुमाल रखो, छोटी सी एक रुमाल रखो, उसको बाद में उसको हाथ में लेकर के ठाकुर जी अभी आपने मुंह धोया है, अभी अपना मुंह को अपनी पोछ लो, ठीक है। मुंह पोछने का बाद फिर ठाकुर जी के लिए चामर जरूर होनी चाहिए, जैसे चामर व्यंजन करते हैं ना, छोटा सा अगर कहीं वृंदावन गए कहीं मिलता है, छोटी सी एक चामर रख दिया करो, और चामर से ठाकुर जी को जो चामर की जो हवा है ना, बड़ा मीठा हवा है, बहुत मीठी हवा है, इसलिए ठाकुर को कहते ना ललिता विभीषण का चामर ढुलाए, इसलिए ठाकुर को चामर से हवा करनी चाहिए। उसको बाद में एक पंखा रखनी चाहिए, जैसे हम कभी गर्मी लगता है हमारा घर में तो एसी लगा देते हो, कभी कभी फैन लगता है हमारे घर में हैं, उसको हवा खाते हैं, बट ठाकुर भी तो घर में लगती है ना, इसलिए शास्त्र में बताया ठाकुर जी को जो सेवा है वो आत्मवत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो बहुए अच्छे तरह से, आत्मवत। आत्मवत मतलब क्या है, अपना जैसे, जैसे अभी ठंडी का समय है हम स्वेटर पहने हैं ना, स्वेटर पहने हैं, इसलिए क्या हमें गर्म लगता है, ठाकुर को गर्मी नहीं लगती है, ठाकुर को भी गर्मी लगते हैं, इसलिए घर में गोपाल हो राधा कृष्ण हो उनको सुंदर, उनको ऊल ऊल की जैसे जैसे छोटे छोटे कपड़ा है ना हाथ में जैसे बुनते हो माताएं, उस ठाकुर जी के लिए सुंदर करके ठाकुर जी को सुंदर कपड़े गर्मी पोशाक पहननी चाहिए, जैसे हम भी इसी समय में जैसे गर्मी पोशाक को हम पहनते हैं, जैसे अभी गर्मी ठंडा का समय है, एकदम ठंडा पानी भी हम नहीं पी सकते, पी सकते हो, नहीं, हम थोड़ी सी गर्म करके पानी पीते हैं, इसलिए ठाकुर जी को जिस समय ठाकुर जी को भोग लगाओ एकदम ठंडा पानी मत दे दिया करो, ठाकुर जी को थोड़ी सी पानी जैसे पीने का लायक, जैसे हम लोग आप लोग पिलाते हो गर्म पानी पिलाते हैं ना, उसी तरह ठाकुर जी को भी थोड़ी सी गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। जैसे अभी ठंडी का समय है हम लोग गर्म गर्म चीज खाते हैं, दाल भी गर्म, रोटी भी गर्म, सब्जी भी गर्म है, इसलिए ठाकुर जी को भी ठीक ऐसे ही ठंडी का समय ठाकुर जी को भी गर्मी गर्मी गर्म चीज खिलाओ। जैसे गर्म का समय में आइसक्रीम अच्छी लगती है, ठंडा चीज अच्छी लगती है ना हम लोगों को, इसलिए गर्म का समय में भी ठाकुर जी को भी जो चीज अच्छी है हमको जैसे अच्छा लगता है वही चीज ठाकुर को भी ऐसे भोग लगाओ। घर में जो कोई चीज आए, ध्यान देकर सुनो, घर में जब कोई मिठाई आए, दूध आए, कोई भी चीज आए, उसका जो अग्र भाग है, अग्र भाग मतलब उसका जो पहला जो भाग को, जब तक ये ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं चले जाए तब तक उसको नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर कोई चीज आया, मिठाई जैसे पैकेट आई, खुद अपना लिए खा लिया, लेकिन फिर वो ठाकुर को भोग नहीं लगी, क्योंकि पहले तुमने झूठा कर दिया, तुमने पहले ले लिया, फिर वो ठाकुर जी के भोग नहीं लगेगी।
इसलिए शास्त्र में बताया जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ये मनु संहिता में बताए, बोले स्वान विष्टा समच अर्न निरंच सुरेया सम, उस वस्तु को ग्रहण करना। बोले स्वान विष्टा, स्वान मतलब कुत्ते, कुत्ते का बिष्टा खाना वो चीज खाना बराबर है जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, हैं? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकर्मा थे। अर्जुन, जो लोग अपना लिए रसोई बनाता है, मेरे को भोग नहीं लगाता है, खुद लगाया खा लिया है, कहते वो केवल पाप भोजन करता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को अर्पण करके भोजन करता है वो अमृत भोजन करता है, हैं? इसलिए मीरा ने, राणा ने भेजा 20 का प्याला, राणा ने मीरा को मारने के लिए 20 का प्याला भेजा, लेकिन जब तक मीरा ठाकुर को भोग नहीं लगाएगी ना तब तक भोजन नहीं करती है। बस ठाकुर को भोग लगा तो अमृत हो गया, मीरा ने पान कर ली। इसलिए जब कोई चीज ठाकुर को भोग लग जाता है वो अमृत है, वो अमृत हम कहते ना प्रसाद, प्रसाद मतलब क्या आशीर्वाद, भगवान की कृपा है, हैं? इसलिए घर में ये चीज को तुम लोग माताएं सब याद रखना, घर में कोई भी चीज आए, जैसे बच्चों को स्कूल जल्दी जल्दी जाना, पहले क्या करो ठाकुर जी के लिए पहले उठा लो, जो जो खाना बनाया ना रोसोई बनाया पहले ठाकुर जी के लिए प्लेट में उठा दो पहले, ऐसे नहीं ठाकुर को भोग नहीं लगा बच्चों को भी पति को खिला दिया खुद भी खा लिया, नहीं पहले क्या करो उसको पहले ठाकुर जी के लिए पहले प्लेट में उठा लो, उठा करके ठाकुर के सामने धर दो, तुलसी पत्ता दे दो, ठाकुर जी आप कृपा करके भोग लगाओ, बस फिर जो रह गया उसको फिर क्या करो बच्चों को भी खिलाओ पति को भी खिलाओ खुद भी खाओ, लेकिन पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठीक है ना। सुदामा जी का नाम सुने कि नहीं सुने हो, सुदामा का नाम, ये सुदामा गरीबी क्यों पहले बना, जब वो गुरुकुल में थे कृष्ण सुदामा जंगल जा रहे थे, इतने में गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा कृष्ण को देख कर खाना, अब टीवी में देखे होंगे सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ करके ना छुप छुप कर खा रहे थे, कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले मेरे को बिना दिए तुम खाना खा रहे हो इसलिए तुमको गरीब भोगना पड़ेगा, इसलिए सुदामा जी बड़े गरीब भोगना पड़ा, लेकिन धनी का बना, इधर इधर देखो ए, इधर देखो, कहते ये धनी का बना, जब फिर भगवान को फिर दर्शन करने के लिए गया, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी दो मुट्ठी दिया तो त्रिभुवन का राज्य उन्होंने दे दिया, इसलिए भगवान को दे कर खाएंगे तो घर में लक्ष्मी भी आएगी, क्योंकि हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या क्या करते हो, नारायण की सेवा करना, जैसे तुम लोगों का भी लक्ष्मी सब बैठी हुई है, लक्ष्मी आके तुम्हारी सेवा करती है ना लक्ष्मी, उसी तरह लक्ष्मी ठाकुर जी के हैं, वो ठाकुर जी के लिए जब सेवा में लगेगा तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है, नहीं तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती, ठीक है ना। इसलिए हर चीज ठाकुर को भोग लगा करके खाना खाया करो, और एक चीज समझो, जैसे कभी कभी होता है ना झूठन को थोड़ा पता ये रखो, थोड़ा ज्ञान रखो, ऐसे नहीं जो चीज खाए उसी हाथ में खाए, झूठन हाथ धोया नहीं उसको फिर रुमाल में हाथ पोछ ली, नहीं, जब कोई हाथ मुंह में लग जाती है वो हो गया झूठा है, अगर उसी झूठा हाथ को जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगा अगर उसी में लगा दिया ना वो भी हो गई झूठा, फिर वो ठाकुर के सेवा में फिर नहीं लग सकती, वो ठाकुर जी की सेवा फिर नहीं लग सकता है, इसलिए झूठन अगर घर में झूठे फूटे की अगर ये नहीं करोगे ना लक्ष्मी भी घर में नहीं आती है, लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ पवित्र हो, जहाँ पवित्र हो लक्ष्मी वही आती है, हैं? इसलिए झूठन फटन को थोड़ा पता रखना, अगर कोई चीज खाए तो पहले हाथ धो लो, हाँ बच्चे भी खाए उनको भी हाथ धुलाओ, घर में झूठा फूटा की पता रखनी चाहिए, और जैसे हम बाथरूम में जाते हैं पानी जरूर व्यवहार करनी चाहिए, पैसा पैखाना के लिए भी पानी व्यवहार अच्छे तरह से करनी चाहिए, ऐसे जो कपड़ा पहन करके हम घर में रोसोई फसे बनाते हैं उसी कपड़ा में पायखाना किए उसी कपड़ा में घर में रोसोई फसे में फिर घुस गए, नहीं लक्ष्मी तो फिर घर में कभी नहीं रहेगी, इसलिए जब पायखाना के लिए जाओ उसी समय में कपड़े को अलग रखो, जो कपड़े को हम अलग व्यवहार करेंगे उसी कपड़े को पहन करके पायखाना नहीं करनी चाहिए, अगर जाते हो अलग कपड़ा रखो, जा करके उसको क्या करो कपड़े को धो और कमर तक उसको धोनी चाहिए, हाथ पैर को अच्छे तरह से धोनी चाहिए, हैं? उसी कपड़े में जिसे पायखाना करते हो अपवित्र हो गया उसको कभी भी घर में व्यवहार मत रखा करो, नहीं तो लक्ष्मी
धीरे 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 घर से चली जाएगी, लक्ष्मी भी पैसा नहीं आएगी। इसलिए घर की लक्ष्मी स्त्रियों को भी बताया है, अगर स्त्री के गुण में ही घर में पैसा आती है, अगर स्त्रियां जितने शुद्धता को ग्रहण करेगी, जैसे आप लोग 3 दिन अपवित्र रहती हो उसी समय में भी अपवित्रता को ध्यान रखनी चाहिए है, अपवित्रता को ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए स्त्री के गुण से ही घर में लक्ष्मी आती है। अगर स्त्री अगर घर में ठीक नहीं हो ना, लक्ष्मी पुरुष जितने परिश्रम कर ले एक पैसा भी नहीं कमा सकता है, एक पैसा भी नहीं कमा सकता है। इसलिए स्त्री के गुण से ही घर में लक्ष्मी, स्त्री के गुण से ही लक्ष्मी घर में आती है। इसलिए तुम लोग अच्छे तरह से ठाकुर का सेवा पूजा झूठन की अच्छे तरह से सब अच्छे तरह से करके अगर घर को ठाकुर को भोग लगाओ, भजन करो हैं, इसलिए करोगे तो घर में लक्ष्मी भी आएगी, घर में शांति सुख भी घर में बनी रहेगी। और ठाकुर को सेवा पूजा अच्छे तरह से किया करो, ठीक है ना, सवेरे उठ करके सवेरे सवेरे उठा करो, ऐसे नहीं रात को 1-2 बजे तक टीवी देखे और सोए और उठे 7-8 बजे तक, नहीं 9 बजे तक नहीं, नियम नहीं है। नियम है टाइम से सो जाओ, सवेरे सवेरे उठो, नहा धोकर सबसे पहले तिलक लगाओ। क्या लगाओ सबसे पहले, क्या लगाओगे? अभी तिलक का बड़ी महिमा बताए ना, कितने बताए तुम लोग दोनों तो घर में घुसी हुई थी, इसलिए ये तिलक की कितने महिमा है। हाँ, जिन लोग तिलक धारण करते हैं उसको शरीर में भूत पिशाच दानव कोई उसको शरीर में नहीं आते। इसलिए जैसे तिलक हम ऐसे लगाए, ऐसे ऊर्ध्व पुंडर तिलक लगाना, ठीक है ना, ऐसे ऊर्ध्व पुंडर तिलक लगाना, गले में भी लगाना और शरीर में भी। ये ब्रज रज है, ये गोपियों की चरण धूलि है, ये नारद जी ब्रज से लेकर द्वारका गए थे, भगवान को वहाँ स्नान कराया गया। द्वारका में एक स्थान है गोपी तालाब, वहीं से ये तिलक आती है। ये मिट्टी जहाँ तहाँ नहीं मिलती है, हैं, ये मिट्टी जहाँ तहाँ नहीं मिलती, ये गोपियों की चरण धूलि है, ठीक है ना, जो बॉम्बे में रहते हो। इसलिए तिलक तुम क्या काम करते हो, तुम लोग क्या क्या काम करते हो, तुम लोग कोई ऑफिस में ना, घर में कोई बिजनेस करते हो? हाँ, चार भोगे हैं, इसलिए इसलिए वहाँ पर भी तिलक लगाया करो, ठीक है ना। पास में अगर इसको न हो जाया करो वहाँ, अगर आसपास में इसको न हो, संडे संडे प्रोग्राम होता है, प्रसाद होता है, कथा होती है, वहाँ थोड़ी जाओगे ना, क्योंकि जैसे संगत में करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। अगर संगत नहीं करोगे भक्ति भी धीरे 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 उतर आने जाएगी है। जैसे पेड़ लगाया अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ वो मुरझा जाएगी है, मुरझा जाती है। इसलिए वहाँ पर संडे संडे को कोशिश करना जाने के लिए, इस्कॉन में जाने के लिए, और भक्तों का थोड़ा संग करो, थोड़ी वहाँ पर थोड़ा कीर्तन करो, और गुरुजी कथा को घर में बैठ अगर लगा दो, घर में भगवान की कथा होगा, कम से कम घर में बैठ बैठ करके कथा सुन सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि भक्तों का संग से ही भक्ति धीरे धीरे भक्ति तभी बढ़ेगी। और ठाकुर जी को पहले चामर भजन करना, पंखा भी रखना, छोटी सी पंखा रख लेना, ठीक है, पंखा रख करके, और एक है मयूर पंख भी होता है, छोटी सी मयूर पंख रख लेना, क्योंकि जो मयूर पंख है ना उसमें सिर्फ राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, जब वो मयूर पंख ठाकुर को दिखाते हैं उनको राधा रानी की स्मरण आती है, इसलिए ये मयूर पंख दिखानी चाहिए। और एक प्लेट रखना, प्लेट में क्या रखना, वहाँ पर शंख में पानी और एक आचमन पात्र, जानते हो कि ना, आचमन पात्र जिसमें डंडे रख करके जो आचमन पात्र में हैं उसमें ये करते उसको रखना, और उसमें हरे कृष्ण आप लोग एक जो आप लोग कुछ चीज़ सिखा दूंगा, ले आओ तो पेपर ले आओ, तो आपको 2 मिनट बैठो, एक चीज़ सिखाते हैं फटाफट, लेकर पेपर आचमन का, और आचमन का पात्र कहाँ है,